फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड तो आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ ये देखिए टैडी बियर मेरा। देखिए और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदा भी हो गया मेरा टैडी बियर और काफ़ी टाइम से इसको मैंने नहलाया नहीं है इसलिए ज़्यादा गंदा हो गया। तो आज मैं इसको वॉश करना दिखाऊंगी किस तरीके से वॉश किया जाता है बिग टैडी बियर को, क्योंकि छोटे टैडी बियर को हम इजी वॉश कर सकते हैं पर जो बड़ा टैडी बियर होता है उसको वॉश करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसमें रूई काफ़ी ज़्यादा होती है और जब हम इसमें पानी में डालते हैं तो ये और ज़्यादा हैवी हो जाता है। ठीक है तो आज मैं आपको बहुत ही कम मतलब 2 रुपये की चीज़ आप उससे बहुत ही अच्छे से जो है आपका जो है टैडी बियर साफ हो जाएगा। और वो 2 रुपये की चीज़ पता है क्या है? वो है शैम्पू। तो शैम्पू आप 1 रुपये वाली कोई सी भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी क्लिनिक प्लस के 2 पाउच और उसी का यूज़ करके ये पूरा जो टैडी बियर है उसको साफ कर दूँगी। तो वीडियो को जरूर फ्रेंड लास्ट तक जरूर देखें और जो भी मेरे फ्रेंड पहली बार चैनल पर विजिट करें जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें। चलिए फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आ गई हूँ छत पे। यहाँ पे मैं जो है कपड़े भी यहीं पे धोती हूँ। तो यहाँ आज मैं धोने जा रही हूँ टैडी बियर को। तो यहाँ पे मैंने 2 क्लिनिक प्लस शैम्पू के पाउच लिए, इसको मैंने मग्गे में डाल दिया। मग्गे में ऑलरेडी पानी था और इसमें हमें अच्छे से घोल लेना है शैम्पू को। शैम्पू को घोलने के बाद हम टैडी बियर को बैठा लेंगे और बैठाने के बाद हमें क्या करना है कि जो भी आप जाली यूज़ करते हैं, मैंने बर्तन धोने वाला जो जाली होता है ना वो ले रखा है। आप जो भी मतलब जाली यूज़ करते हैं उस जाली को लेकर के अच्छे से जो है इस तरीके से जो है डिप डिप करते हुए टैडी बियर को हमें इस तरीके से साफ़ करना है और इससे ईजिली साफ़ हो जाता है क्योंकि जितना ज़्यादा झाग बनता है उतने अच्छे से जो है टैडी बियर साफ़ हो जाता है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये किस तरीके से मैं साफ़ कर रही हूँ। जिस तरीके से जैसा आपको मन करता है, फेस से स्टार्ट करना चाहते हैं टेडी बियर के फेस से स्टार्ट करिए, टमी से स्टार्ट करना चाहते हैं टमी से करिए, तो आपको जैसा कंफर्टेबल लगता है इसी तरीके से आप लेटा करके। मुझे इस तरीके से कम्फर्टेबल लग रहा था क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो टेडी बियर होता ना बड़ा, ये बहुत बड़ा टेडी बियर है और इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा है और पानी लगने की वजह से जितना पानी इसके अंदर जाता है, जितना हम इसको साफ़ करते हैं उतना ज़्यादा का जो वेट है वो डबल हो जाता है और थोड़ा जो है इसको साफ़ करने में थोड़ी परेशानी भी हो जाती है। पर इजीली आप लेटा करके अच्छे से इसको साफ़ करिए, टाइम लगेगा पर जो टैडी बियर है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा क्योंकि आप भी जानते हैं हम ऐसी चीज़ों को डेली वॉश नहीं करते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 महीने पर वॉश की जाती है। तो आराम से इसको हम वॉश करेंगे और देखिए आप कितना आसानी से इसमें से जो है गंदगी भी साफ़ हो रही है और अच्छे से साफ़ भी हो जा रहा है। तो लास्ट तक वीडियो फ्रेंड ज़रूर देखिएगा क्योंकि देखिए आप खुद देख रहे हैं मैं कितनी ज़्यादा इसमें मेहनत कर रही हूँ क्योंकि बहुत मेहनती काम होता है इतना बड़ा टैडी बियर साफ़ करना बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें अंदर कॉटन होता है, रुई होती भरी हुई होती है जो जितना पानी डलता है उतना वेट हो जाता है इसका। तो इसको साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा, वो भी घर में और हाथों से साफ़ करना बहुत ज़्यादा, मतलब आप देख लीजिए किस तरीके से मैं कर रही हूँ और ऊपर से धूप भी कितनी ज़्यादा हो रखी है बाहर। धूप में बैठ करके जो है मुझे काम करना पड़ जाता है और यहाँ पे धूप में बैठ करके आज टेडी बियर की भी सफाई हो रही है। आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा धूप ज़्यादा है तो धूप में अगर टेडी बियर साफ़ करके रखूँगी ना तो जल्दी जल्दी इसको जितनी ज़्यादा धूप लगेगी उतनी जल्दी ये सूख जाएगा क्योंकि अभी बारिश का भी मौसम चल रहा है फ्रेंड। तो मौसम बारिश के मौसम में क्या है कि ऐसे सूखने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और अभी जो धूप जितनी ज़्यादा होगी 2-3 दिन में ये टैडी बियर आराम से सूख जाएगा, इसके अंदर का जो रुई है वो भी अच्छे से सूख जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड कितना ज़्यादा जो है इसमें झाग बन रहा है, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा धूप की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा पर इसमें बहुत ज़्यादा मतलब उतने ही मतलब 2 शैम्पू का यूज़ करके मैंने पूरा टैडी बियर साफ़ करके आपको दिखाना है। तो वीडियो पे पूरा लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड और मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को फुल वॉच करिए।
Thank you.